बाथरूम में कैमरा लगाकर लड़कियों का न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करने का मामला अभी तक तो बड़े शहरों में ही देखने को मिला था, लेकिन आज प्रयागराज में भी एक मामला सामने आ गया। यहां पुलिस लाइन के पास आशीष खरे अपने घर का कुछ कमरा बाहर से पढ़ने के लिए आने वाली लड़कियों को किराए पर देता था, लेकिन आशीष ने कमरे के साथ अटैच बाथरूम में स्पाई कैमरा लगाया हुआ था। किसी को शक न हो इसके लिए आशीष ने स्पाई कैम शावर के बीच में सेट किया था और वाईफाई के जरिए कैमरे की सारी वीडियो उसके कंप्यूटर में रिकॉर्ड होती थी। आज जब बाथरूम में लड़की नहाने गई, शावर से पानी कम आ रहा था, हिलाने पर कैमरा बाहर आ गया, जिससे आशीष की ये गंदी हरकत सामने आ गई। लड़की ने तुरंत पुलिस को फोन किया और आशीष पकड़ा गया। तलाशी में आशीष के कमरे से कंप्यूटर और दर्जनों हार्ड डिस्क बरामद हुई। पुलिस को शक है कि ये बाथरूम में लड़कियों की नहाते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करके कहीं डेटा बेचता तो नहीं। आशीष से पूछताछ की जा रही है। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में मेयो हॉल के पास में एक मकान है दो मंजिला, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे आशीष खरे नाम के व्यक्ति द्वारा एक गर्ल्स हॉस्टल खोला गया था, जो कि वो कम किराए पे बच्चियों को किराए में वो कमरा देता था। और उसी के बाथरूम में एक शावर था, उस शावर में उसने एक खुफिया हिडन कैमरा लगाया हुआ था और उसी हिडन कैमरे के थ्रू उसने उसको अटैच किया हुआ था अपने कंप्यूटर लैब में। कंप्यूटर लैब भी उसका एक था, जिसमें वो बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाता था ऑपरेट करना। तो उस कंप्यूटर लैब में वो उसका सेटअप वो उसने ट्रांसफ़र किया हुआ था और वहीं पे वो उनको सेव करता था उन वीडियोस को और स्वयं देखा करता था। और संभावित है कि उनको ब्लैकमेल करने के लिए उसके द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा था या इसका सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे इनका विक्रय करने के लिए ये उसके द्वारा वीडियोस ये सेव किए जा रहे थे। सर, क्या कुछ बरामद हुआ उसके पास से? उस कलर लैब से, सॉरी, उस ये कंप्यूटर लैब से इन ये जो कंप्यूटर्स थे, ये कंप्यूटर सिस्टम बरामद हुआ है और हार्ड डिस्क भी बरामद हुआ है और डेफिनेटली वो जो वीडियोस इसने बनाए थे वो भी उसमें सेव्ड है, जो कि हम लोगों के द्वारा सीज कर दिया गया है। और अन्य भी तमाम आपत्तिजनक चीज़ें हैं जो कि इसके कंप्यूटर लैब से बरामद हुआ है।